जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हुसैन सिंह जिंदाबाद, नसीमा खातून जिंदाबाद, तो हम एक हैं, एक हैं, एक हैं, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ज्यों ज्यों तेघरा नगर परिषद के चुनाव की प्रक्रिया तेज हो रही है, उम्मीदवार भी अपनी उम्मीदवारी के साथ पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर रहे हैं। तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर जाती है। आज हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यह तेघरा नगर परिषद से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवारों के उम्मीदवारी का एक अनोखा स्वरूप है, एक ऐसा उदाहरण जिसको देखने के बाद लगेगा कि नहीं, एक बार पुनः जिस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का बोलबाला पूरे बेगूसराय जिला के सातों विधानसभाओं में हुआ करता था और कहीं ना कहीं वर्तमान में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा ही तेघरा विधानसभा पर है और वही तस्वीर आज एक बार फिर सामने आई है। हालांकि अभी वर्तमान में नगर परिषद के चुनाव चल रहे हैं और इस चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया में आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के उम्मीदवारों ने अपने पूरे संगठन के सभी लोगों के साथ नामांकन करवाया। इस नामांकन की प्रक्रिया में जहां मुख्य पार्षद के रूप में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक गद्दावर नेता भूषण सिंह की धर्मपत्नी अमीषा देवी ने अपना नामांकन करवाया, वहीं उप मुख्य पार्षद के रूप में वर्षों से इस तेघरा नगर परिषद के राजनीति हलचल से अपने आप को जोड़ कर रखने वाली और कई बार जब भी अविश्वास प्रस्ताव लगे, जब भी वहाँ पर राजनीतिक हलचल बढ़ी तो उस कार्यालय में अपनी जीत और अपना बोलबाला कायम करने वाली एक ऐसी सशक्त महिला जिसके बारे में हम कहें तो प्रारंभ से ही उनका दबदबा सा रहा था, तेघरा नगर पंचायत हो या वर्तमान का नगर परिषद हो, और इन दोनों को लेकर के उन्होंने सख्ती से अपने लोगों के तेघरा नगर परिषद के लिए यह नाम नया नहीं बल्कि पुराना नाम है और उप मुख्य पार्षद के रूप में नसीमा खातून ने अपनी उम्मीदवारी पेश की है। हालांकि हम कहें तो कई प्रकार के राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं लेकिन इसी बीच पूरी जोरदार और अपनी भागीदारी के साथ एक बार फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने इस दोनों पद के लिए उम्मीदवारी नहीं बल्कि हम कहें कि अपना किस्मत आजमाया है कि यहां से और क्या हो सकता है और जनता इसे कैसे देखेगी वह आने वाला वक्त और समय बताएगा।